अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बीस्ट लेकर आया हूँ। ये बेसिकली फोर्ड F-150 है और लिमिटेड एडिशन है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि ये 2021 का मॉडल है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहें तो ये लिमिटेड गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। सो आज की वीडियो में ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोड स्पोर्ट्स पर आई हुई थी, तो मैंने कहा क्विक सा इसके आपको वॉक अराउंड करके गाड़ी जल्दी से दिखा दी जाए और 360 व्यू भी आपको इस गाड़ी का प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, एक्सटीरियर देखेंगे और साथ ही साथ इसके स्पेक्स और फीचर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, ये जो शोर शराबा है यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा रशी एरिया में खड़ी है इस वजह से है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से आवाज़ मेरी आ सके। और इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे हाइलाइटेड फीचर्स हैं जिनके बारे में वीडियो में आगे चलकर मैं डिटेल में बात तो करूँगा ही, लेकिन पहले मैं आपको क्विक सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस गाड़ी के। एक तो ये आप शेप अगर देखें तो ये बिल्कुल नई वाली शेप है। जब आप फ्रंट से इसकी लाइट्स देखें, ये कम्प्लीटली LED लाइट्स हैं और बिल्कुल नई वाली शेप के अंदर ये वाली लाइट्स आपको मिलती हैं। सो इसके साथ साथ जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो ये आप देखेंगे इसकी ये फुटस्टेप्स ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। प्लस इस गाड़ी के अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसा कि लिमिटेड एडिशन जो होता है F-150 का, वो समझ लेंगे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता है जिसके अंदर आपको F-150 के अंदर आने वाले सारे फीचर्स ऑफर होते हैं। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं जी फुल मसाज सीट्स। अगर मैं इसकी सीट्स आपको दिखाऊं तो ये आप देख लें, इसमें फुली मसाज सीट्स आपको मिलती हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो होती ही हैं, इसमें मेमोरी का ऑप्शन भी आता है, लेकिन इनके अंदर आपको मसाजिंग सिस्टम भी दिया जाता है। उसके अलावा इसकी ये जो गियर नॉब है, इसके अंदर आपको एक बड़ा ही कूल फीचर मिलता है और वो ये है कि इसकी गियर नॉब फोल्ड हो जाती है नीचे की तरफ। इस तरीके से इसकी गियर नॉब फोल्ड हो जाती है और ये कम्प्लीटली इस जगह पर प्रेस हो जाती है और फिर इसको आप टेबल को जो है यहाँ से फोल्ड करके एक कम्प्लीटली फ्लैट टेबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की चीज़ है और बड़ा ही कूल फीचर है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर फुल पैनोरामिक सनरूफ आता है एल्केंटारा रूफ के साथ। और उसके अलावा इस गाड़ी की एक और सबसे ख़ास बात यह है कि ये गाड़ी आपको एक पावर जनरेटर ऑफर करती है जो कि 2000 वाट्स का होता है। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप यूज़ करना है, तो ये गाड़ी आप एज अ जनरेटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कोई छोटा मोटा जनरेटर नहीं है, 2000 वाट्स का जनरेटर आपको मिलता है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी हासिल करके अपनी तमाम डिवाइसेज या अगर आप कैंपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और फीचर इस गाड़ी का बहुत ही अमेजिंग किस्म का है और वो है इस गाड़ी का ऑटो टेलगेट। तो अगर आप यहाँ पर देखें, सो हमारे पास जस्ट एक बटन है, उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका टेलगेट इस तरीके से अनफोल्ड हो जाएगा और ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली होता है। अब आप देखें कि फोर्ड F-150 जो है इसका टेलगेट बहुत ही मैसिव किस्म का होता है, उसको उठाना, उसको ओपन करना काफ़ी मुश्किल होता है आम बंदे के लिए। सो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑप्शन है, तो अगर आपने इसको क्लोज करना है तो जस्ट आप ट्रंक के नीचे से जस्ट एक बटन से प्रेस करें या आप इसका जो ये की है इसके ऊपर बटन को दो बार प्रेस करेंगे तो ये जो है अनफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि जो इसका बटन है वहाँ तक एक्सेस हासिल करना कई दफ़ा मुश्किल होता है। तो आपके पास की के ऊपर भी ऑप्शन है तो यहीं से आप इसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं और ये बड़े मज़ेदार किस्म की ऑप्शन है। उसके बाद इस गाड़ी का जो इंटीरियर है ये सुपर लग्जोरियस किस्म का है, तो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसका इंटीरियर डिटेल में दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसकी खूबसूरत सी ये लाइट्स को ऑन करते हैं और इसके एक्सटीरियर का आपको मैं डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड करता हूँ। ये अगर आप देखें तो प्रॉपर इसमें बटन लाइट्स मिलती हैं, तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये गाड़ी डिफरेंट तरीकों से आपको वेलकम करती है, जैसा कि इसके फुटस्टेप्स ओपन हो जाएंगे, बटन लाइट्स ऑन हो जाएंगी, एक्सटीरियर लाइट्स ऑन हो जाएंगी जिनको आप वेलकमिंग लाइट्स कह सकते हैं। सो इस तरीके से ये गाड़ी आपको प्रॉपर तरीके से करती है जी वेलकम। सो आए इसको हम करते हैं स्टार्ट। और एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ कि ये 2021 का मॉडल है, 2021 की ही इम्पोर्ट है और बहुत ही लो माइलेज है, रफली 20,000 के किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है। और आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है कम्प्लीटली डिजिटल मीटर, कोई एनालॉग स्क्रीन नहीं है, ये बिल्कुल नया वाला मीटर है। और इसके अंदर आपको डिफरेंट 5 ड्राइविंग मोड्स ऑफर होते हैं, तो जिस भी हिसाब से आप इसको ड्राइव करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। सो हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं, हाई बीम को हम ऑन कर लेते हैं, साथ ही हम इसकी फॉग लैंप्स को और हैजर्ड लाइट को भी ऑन कर लेते हैं और आइए गाड़ी के एक्सटीरियर में चलते हैं और आपको इसके एक्सटीरियर के बारे में मैं डिटेल से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं और आपको इसका एक्सटीरियर जो है वो हम दिखाते हैं ज़रा डिटेल में। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो आप अगर देखें इसमें आपको सिग्निफिकेंट किस्म की फ्रंट लुक जो है कम्प्लीटली डिफरेंट नज़र आएगी। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड का बैज है जो कि ऑब्वियसली ये लिमिटेड एडिशन है, टॉप ऑफ द लाइन, तो इसके अंदर आपको वो ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा अगर लाइट्स की बात करते चलें तो ये हैं जी इसकी मैसिव किस्म की लाइट्स, सिग्नेचर F-150 वाली शेप है इसकी लाइट्स की, लेकिन अगर आप देखें तो ये नई शेप के अंदर
ड्यूल प्रोजेक्शन लाइट आपको इसमें मिल जाती हैं, जो कि इनका थ्रो बहुत अच्छा है और LEDs होने की वजह से ये काफ़ी एफिशिएंट भी हैं। इसके साथ साथ आपको DRLs मिल जाएंगे, नीचे हमारे पास इंडिकेशन भी LED के अंदर आती है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं जो कि बेसिकली इसकी आप इनको डिम लाइट्स कह सकते हैं। उसके अलावा ग्रिल की बात करते चलें तो ये सिग्नेचर ग्लॉसी फिनिश के अंदर फोर्ड F-150 की सिग्नेचर ग्रिल है फोर्ड की ब्रांडिंग के साथ, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट व्यू कैमरा सिस्टम मिल जाएगा, और इसके साथ साथ फ्रंट पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, फ्रंट पर आपके पास टोइंग हुक्स मौजूद हैं, फोग लैंप्स LEDs के अंदर हैं, और फोग लैंप्स के अंदर भी आपको DRLs नजर आएंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और लुक वाइज तो ये पूरा का पूरा एक बीस्ट है फ्रंट साइड से। रिम्स की अगर मैं बात करता चलूं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 22 इंचेस के मैसिव किस्म के रिम्स, और ये सिल्वर कॉम्बिनेशन में है, मल्टी स्पोक रिम्स आपको मिलते हैं फोर्ड की ब्रांडिंग के साथ। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ ट्रिमिंग मिल जाती है एयर वेंट्स के साथ, और ये प्रॉपर वर्किंग एयर वेंट है, यहाँ पर F-150 लिमिटेड की ब्रांडिंग है। इसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस अगर करें तो ये एक लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है, सो राइट हैंड नहीं है, ड्राइवर उस तरफ बैठेगा। सो इस तरफ अगर हम ऑप्शंस की बात करते चलें, इसको मैं क्लोज कर लेता हूं। सो इसकी जो विंडोज हैं ये भी बहुत मैसिव है, और अगर आप देखें तो इसकी विंडोज से यहाँ से एक ये कर्व सा आता है, ड्रॉप हुई भी लाइन चलती है, जो कि विंडो को एक तो एक्स्ट्रा विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये बहुत हाइटेड किस्म की गाड़ी है तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट्स काफी ज्यादा होते हैं, सो ये विंडो नीचे होने की वजह से आपको देखने में काफी आसानी होती है। उसके अलावा इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको 360 व्यू कैमरा सिस्टम मिल जाएगा, इंडिकेटर्स मौजूद हैं, रिट्रैक्टेबल ऑब्वियसली ये हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और सबसे बढ़कर ये बहुत मैसिव साइज के, आप अगर मेरे हाथ का साइज देखें तो लिटरली मेरे तीन हाथों के बराबर एक साइड मिरर है इसका, जो कि बहुत ही मैसिव साइज का। इसके साथ साथ क्रोम डोर लैचेस आपको मिल जाते हैं, स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको इसमें मिलता है, और स्मार्ट एंट्री सिस्टम में भी आपको एक और बड़े मजे की चीज इस गाड़ी के अंदर मिलती है, और वो है नम पैड। और ये देखें जी, यहाँ पर आपको ये कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स मिल जाएंगे, सो कोई भी लॉक कोड लगाते हुए आप इस गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, और यहाँ से आप उस कोड को लगाते हुए अनलॉक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मजे की चीज है। वैसे तो इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे कूल फैक्टर्स हैं, सबसे बड़ा कूल फैक्टर तो इस गाड़ी की लुक है, अगर आप देखें तो ये प्रॉपर एक रोड प्रेजेंस आपको प्रोवाइड करता है, और एक मैसिव किस्म का पूरा बीस्ट है। अच्छा जी, रिम्स 22 इंचेस के इंतहाई शानदार, यहाँ पर आपके पास फ्यूलेट ओपनर आ जाता है, ये टॉप कवर जो आप इसका देख रहे हैं शटर लेट टाइप का, ये इसमें प्री इंस्टॉल्ड है। रियर साइड पर अगर हम देखें, एक तो आपको मैसिव किस्म की क्रोम के अंदर इसकी लिमिटेड की बैजिंग मिल जाती है, F-150 है, फोर्ड की ब्रांडिंग है, और इसके साथ साथ बैक साइड पर अगर आपने इसके कोई ट्रेलर लगाना है उसके लिए प्रॉपर आपको सेटअप दिया जाता है, प्लस रियर लाइट्स इसकी कम्प्लीटली LEDs के अंदर हैं, कोई हैलोजन बल्ब का यूज नहीं हुआ, और ये साइड स्वैप्ड हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो काफी आगे तक चल जाती हैं, और पूरी की पूरी LEDs के अंदर लावा इफेक्ट है, इनमें आपको काफी खूबसूरत ये लुक प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ गाड़ी के फ्रंट और रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर होते हैं, और मैं आपको इसका एग्जॉस्ट भी दिखा देता हूँ। सो ये देखें जी, अच्छा इस गाड़ी के अंदर आपको 3.5 लीटर V6 ट्विन टर्बोचार्ज इंजन मिलता है, जो कि एक इंसेन किस्म की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज। ये गाड़ी आपको सिटी के अंदर 8 से 9 किलोमीटर की एवरेज प्रोवाइड करती है, और हाईवे पर आराम से ये गाड़ी आपको 10 से 11 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है, अगर आप इसको हल्के पांव पर चलाते हैं तो। अच्छा इंटीरियर की तरफ आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बता देता हूँ। 2021 मॉडल फोर्ड F-150 लिमिटेड एडिशन है, और इसकी आस्किंग प्राइस है 5 करोड़। साइकिल मोड स्पोर्ट्स पर ये अवेलेबल है, अगर आपने इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और ये है जी इसका रियर इंटीरियर, जो कि इंतहाई लग्जोरियस किस्म का है, और लेग स्पेस तो ऑसम किस्म की इसमें आपको मिलती है। सो आइए जरा आपको मैं इसका इंटीरियर फ्रंट साइड से दिखाता हूँ, और फिर हम देखते हैं जी इस गाड़ी का रियर इंटीरियर, और फिर हम वीडियो को क्लोज करते हैं। अच्छा लाइट का थोड़ा सा इश्यू अभी हो सकता है, लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम चीजें इस गाड़ी की दिखा सकूं। सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो इंटीरियर के अंदर आपको नजर आएगी वो है ये 15 इंचेस का एंटरटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिलता है, एक ह्यूज किस्म की स्क्रीन मिलती है, और ये प्रॉपर एक टच स्क्रीन है, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। काफी सारे सिस्टम्स हैं इसमें, ऑडियो है, फोन है, नेविगेशन सिस्टम आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, एप्स आप यहीं से सारी की सारी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा सेटिंग और फीचर्स वगैरह आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके अलावा उसमें 7 ड्राइविंग मोड्स हैं, ठीक है, नॉर्मल, टोन, एयर, इको, स्पोर्ट्स, ये सब में जो के सबके कलर आपका अपना इंटीरियर इसका स्पीडोमीटर का इंटीरियर चेंज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की थीम उनके अकॉर्डिंगली चेंज, और अगर स्पोर्ट्स मोड करते हैं तो उसमें 4 व्हील लगता है, अगर नॉर्मल और इको करते हैं तो उसमें 2 व्हील लग जाता है, स्लिपरी मोड है, फिर आपका ये है अपना डीप स्नो सैंड है, सही, और मड एंड रट्स, ये सारे जो के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइविंग मोड्स हैं, आप जिस मोड पर आप चलाना चाहें तो आप ड्राइविंग
अच्छा, इको आइडल भी इसमें है। इको आइडल भी है, बिल्कुल इको आइडल स्टॉप स्टार्ट एंड स्टॉप। हाँ, ये दूसरा 360 कैमरा सिस्टम है, ये लेन असिस्ट है। ओके, ये आपका हैजर्ड लाइट आ गई और ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया। आप बता रहे थे इसमें जनरेटर है कोई? जी, जनरेटर मोड है, मैं इस पे आपको दिखाता हूँ फीचर्स में। ये प्रो पावर ऑन बोर्ड है, इसमें आप मिनिमम 200 वोल्ट से लेकर 2000 वोल्ट तक आप जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज कर सकते हैं। ओके, अभी ये जनरेटर स्टार्ट है इसका, अभी हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप इसको बस जनरेटर मोड ऑन कर दिया तो ये आपका अप टिल 2000 तक की पावर जनरेट करेगा। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी लगाना चाहें या फिर इवन तो आपको स्मॉल कूलर लगाना हो, कैंपिंग के लिए बंदा जाए, ये वो सब चीजें एक्सेसिबल हो। आपकी ये हेडरेस्ट के पीछे बड़ी खूबसूरत इसकी एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है, ये क्या चीज है? ये है आपका बैक रेस्ट को अपना मसाज के लिए। ओके, स्पेसिफिकली बैक रेस्ट के मसाज के लिए, ठीक है। और ये दोनों साइड्स पर है, डबल कुशन है, डबल कुशन है, बिल्कुल। और अच्छा, ये गियर नॉब इसकी बहुत कूल है सर, ये तो जी गियर नॉब, ये बेसिकली ये जी आप देख रहे हैं ये बटन है, इसको डाउन रेस्ट करके आप इसको बकायदा अच्छा टेबल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ये और मैसिव साइज की है और आप प्रॉपर इसमें लैपटॉप रखना चाहें, खाना खाना चाहें, इजीली डाइनिंग टेबल भी बन जाएगा जो भी आप। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये इसमें प्रॉपर कार्बन फाइबर यूज हुआ हुआ है, कार्बन फाइबर ट्रिम्स हैं। और ये आप देखेंगे थोड़ा सा ये लाइट में नजर आ रहा होगा, बहुत शाइनी है, बिल्कुल ग्लॉसी है। और ये आपको ये मेटालिक डायमंड फिनिश के अंदर है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल। बाकी ये हैंड स्टिचिंग सारा लेदर है। और सबसे बढ़कर के इसके अंदर बैंग एंड ऑल्फसन का साउंड सिस्टम है जी, और बिल्कुल ये है जी। इसमें मल्टीपल स्पीकर सिस्टम का बैंग एंड ऑल्फसन का साउंड सिस्टम है जिसमें यहाँ स्पीकर हैं, प्रीमियर बिल्कुल साउंड क्वालिटी है। हाँ, और इसमें यहाँ पर भी स्पीकर्स मौजूद हैं हेडरेस्ट्स के अंदर, जो कि आपके इस एक्सपीरियंस को मजीद बेहतर बनाते हैं। और ये गाड़ी का आ गया वायरलेस चार्जर, ठीक है। और ये इसका डॉक आ गया, आप वायरलेस कारप्ले भी करना चाहें तो वायरलेस कारप्ले भी, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वो दोनों चीजें इसमें हैं। ओके, सही है। और फुली इसका एल्कंटारा रूफ है जी, और ये आपको हम दिखाते हैं जिसका स्वेड स्वेड पिलर, ठीक है। ये सारा लेदर में आ जाता है, स्वेड लेदर के अंदर। ओके, ये बड़ा प्रीमियम है, ये बहुत मजे का है, ये इसकी लुक एंड फील बहुत मजे की है। और ये है जी आपके पास पूरा पैनोरामिक सनरूफ का व्यू। और अच्छा, ये टिंटेड भी है हल्का सा जी, ये टिंटेड, तो अगर आप धूप में इसको ओपन करके भी चलाते हैं तो आपको इश्यू नहीं होगा कोई भी, ऐसा ही है। सही। और कैबिन के अंदर हमारे पास कंप्लीट एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, इसमें ऑटो डिमिंग आपको मिल जाएगी मिरर के अंदर। डैशबोर्ड ह्यूज किस्म का है, मैसिव किस्म का है, यहाँ पर लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, ये ऊपर भी आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है। ये बड़ी जबरदस्त कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर खूबसूरत लुक मिलती है। इसके साथ साथ ये आपको मैं बता चुका हूँ मैसिव किस्म का, इसमें आपको ये 15 इंचेस का मतलब ये आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही शो करता है। अच्छा, इवन और इसमें जोन लाइटिंग है, अगर आपको लाइट की पावर अगर यहाँ से करनी हो तो सेपरेटली आप यहाँ से सेपरेटली फ्रंट बैक लेफ्ट राइट सब आप कर सकते हैं। अच्छा, एक्सटीरियर के अंदर जो लाइट सिस्टम है उसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको जहाँ लाइट ज्यादा चाहिए वहाँ पर आप उसको वो कर सकते हैं। और उसके अलावा जी ये है ट्रेल मोड है। अच्छा, और इसके साथ अगर आपने कोई प्रॉपर टो शो करनी है चीज तो वो आप यहाँ से इसको सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हीटिंग कूलिंग सीट्स आ गई, ठीक है। स्टीयरिंग आ गया, ओके। स्टीयरिंग भी हीटेड है। और अच्छा, इसमें फोर जोन क्लाइमेट होगा, बैक साइड पर अलग ड्यूल होगा और फ्रंट पर अलग ड्यूल होगा। सही हो गया। सो ये देखें जी, इसकी रियर साइड पर भी आपको सेम मैसिव किस्म की सोफा सीट्स मिल जाएंगी, लेग स्पेस आपके पास बहुत शानदार किस्म की है। सो ये था एक क्विक सा वॉक अराउंड फोर्ड F-150 लिमिटेड एडिशन 2021 मॉडल का। हमारे साथ इस गाड़ी के ऑनर भी मौजूद हैं सर, थैंक यू सो मच कि आपने ये गाड़ी लाई और इसका रिव्यू का मौका दिया। सो गाइज, अगर आप इसको खरीदना चाहें, इस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। आस्किंग प्राइस है इसकी 5 करोड़ रुपए, क्योंकि ये गाड़ी है ही बड़ी यूनिक, पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से गिनी चुनी हुई गाड़ियाँ हैं। क्या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से 3 गाड़ियाँ होंगी, मतलब बहुत कम गाड़ियाँ इस तरह की। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये बीस्ट कैसा लगा। और अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, आप इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।